वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नहीं, मुझे ऐसा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मैंने ना मैंने कभी ऐसा कोई शेयर किया ना ऐसा कुछ हुआ है कि मैं यानी जागते की हालत में कुछ ऐसा हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ड्रीम्स में भी एक पर्दा होता है तो उसके पीछे से वो बात होती है। अब जैसे हम नमाज में खड़े होते हैं अल्लाह के सामने सर को झुका के, तो मैं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब ड्रीम में अल्लाह आता है तो मैं सर को झुका के खड़ा होता हूँ, तो बस ये महसूस होता है कि ये अल्लाह का अर्श है और उसके ऊपर अल्लाह जलवा अफरोज़ है। और वहाँ से बस एक आवाज़ आती है और आवाज़ भी ये कि अभी मैं बात कर रहा हूँ तो आपके कानों में पड़ रही होगी आवाज़, लेकिन वो कानों में नहीं पड़ती, वो अंदर जाके ना आप कह लेंगे जो ब्रेन है दिमाग है उसके सेंटर में वो महसूस होती है आवाज़। और यानी ऐसे लगता है जैसे गोया कि अल्लाह शारख से भी ज़्यादा करीब है, तो इस तरह से वो फीलिंग्स होती हैं, या अल्लाह आसमान से बात करता है या एक रोशनी सी होती है वाइट कलर की उसमें से वो आवाज़ आती है। तो ये भी यानी ये पर्दे के पीछे से बात होती है और ये ऐसा कभी नहीं है कि जागते की हालत में वल्ला आलम है लोग बस किसी ना किसी तरीके से झूठा साबित करने के लिए कुछ भी कह देते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं है। जी बंद अच्छा, अब ये मैंने हदीस शायद पहले भी सुनी थी किसी से, लेकिन मुझे ऐसा ड्रीम में नहीं आया। अब इसकी अब कहत कहाँ पे आएगा ये भी एक सवाल है। अब जैसे मैंने ड्रीम में देखा तो पूरी दुनिया में अल्लाह की मदद से मुसलमानों की हुकूमत होती है। अब दुनिया पूरी दुनिया तो उसके किसी एक हिस्से में अगर कहत आया है तो उसका मुझे नहीं पता, शायद किसी एक खत्ते की या एक इलाके की बात की हो, तो इस तरह से अगर हुआ हो इस तरह से अगर होगा तो वल्लाह आलम मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ड्रीम्स में मैंने यही देखा है कि पूरी दुनिया अमन से भरी होती है और मुसलमानों की हुकूमत होती है, और जब दज्जाल बाहर निकलता है तो उसको यही गम और यही गुस्सा होता है कि पूरी दुनिया जो है ना वो अमन से भरी हुई है और मुसलमानों की हुकूमत है, तो वो इस गुस्से और गम में ना वो बाहर फिर पूरी दुनिया में जो है ना वो एक फितना पैदा करता है और दुनिया तबाह होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से मैंने बस ड्रीम्स में देखा, लेकिन कहत का वल्ला आलम, वो शायद कोई एक इलाका हो उसका जिक्र हो। जी अब जाहिर सी बात है, अब पूरी दुनिया अगर देखें तो वो तो बहुत बड़ी है, और अगर आप कह लें कि उसमें कोई बांग्लादेश जितना इलाका है या पाकिस्तान जितना इलाका है उस पर कहत पड़ गया है, तो वो लालम मैं कुछ कह नहीं सकता।